नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन हो तुम लोग? मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? एक मिनट, एक मिनट। अच्छे बच्चे एक सांस में इतने सवाल नहीं पूछा करते, राइट? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हमें अंडरवर्ल्ड के किंग रॉकी और हमारे राइट हैंड मिस्टर जॉन, दूसरा जवाब हमें तुम्हारी जरूरत है, और तीसरा तुम हमारे लिए काम करोगे। और मिस्टर रॉकी, अमर ने हमेशा अपनी मां का हुक्म माना है। अब तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जो अमर को हुक्म दे सके। वेल सेड अमर, वेरी वेल सेड, आई लाइक इट। जॉन, विनोद को खत्म कर दो। विनोद? हाँ, तुम्हारा भाई विनोद। क्या? वो हमारी कैद में है। क्यों? नाम लिया और आवाज बदल गई। अपने भाई से मिलना चाहोगे? जॉन, कोई तो नहीं, काम करो, भाई को भाई वादो। ले जाओ इसे। भैया, भैया, अमर, अमर तुम? हाँ भैया, ये क्या हालत बना दी है तुम्हारी इन लोगों ने? ये सब मेरे कर्मों का फल है अमर भैया। माँ कैसी है? अच्छी है। और शीला? वो भी अच्छी है। तुम यहाँ आए कैसे? सब कुछ बताता हूँ। जॉन, सिंगापुर से मिस बटरफ्लाई कब आ रही है? कल मॉर्निंग फ्लाइट से। होटल सिटीजन में इसके लिए स्वीट बुक कर दिया। गुड सर। ये मिस लिली को कहाँ भेजा जा रहा है? जहाँ एक दिन सभी को जाना है। क्यों, उसे कोई गद्दारी थी? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन जॉन, हमारे धंधे में आदमी बहुत जल्द होशियार हो जाता है। वो बातें जो उसे नहीं जाननी चाहिए उन्हें जानने की कोशिश करता है। इसलिए मैं 6 महीने के बाद अपने हर आदमी का ट्रांसफर कर देता हूँ, इधर से उधर। और यही हमारी कामयाबी का राज है, टॉप सीक्रेट। मैं तैयार हूं, काम बताइए। यह मेरा सीक्रेट नंबर है, इसे अच्छी तरह अपने दिमाग के कंप्यूटर में फिक्स कर लो। गुड। कल सुबह 10 बजे सी रॉक होटल के सामने वाले बूथ से हमें फोन करना। काम तुम्हें बता दिया जाएगा। हमारी बहन में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे? भैया, खुलेआम ना सही, पर दूसरे किसी रूप में लोग दहेज तो लेते ही है ना। फिर शीला राम को चाहती भी है, बहन का घर बसाने के लिए 1,00,000 रुपए तो कमी है ना भैया। लेकिन अमर तुम? भैया, जो होना था सो हो गया। अब आप लोग धूमधाम से शीला बहन की शादी कर दो। आप लोग? क्या तुम नहीं होगे वहां? भैया, मैं विनोद भैया को उन गुंडों के चंगुल से छुड़ाने जा रहा हूँ। शायद अगर मैं ना लौट पाऊं तो। नहीं अमर, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज। अमर, विनोद सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी भाई है, और तुम तो सबसे छोटे हो। छोटा जाएगा तो क्या बड़ा देखता रहेगा? अब एक भाई की तकलीफ हम सबकी तकलीफ है। देखो भाई, भाई एक हो गए और मैं रह गया। अरे मैं भी तो तुम्हारा साला भाई हूं, तुम्हारे बीवी का भाई, यानी साला भाई, क्लियर कट। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हेलो। हेलो अमर, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो, हमें बहुत खुशी हुई। फरमाइए। जरा बूथ के बाहर देखो गाड़ी में कौन बैठा है। जाना? जॉन है सर। उसके साथ पुराने ब्रिज पे पहुंच जाना।
वो तुम्हें पिस्टल देगा। पिस्टल लेकर जॉन को खत्म कर देना। पीछे मेरे आदमी होंगे, उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाना। लेकिन सर ये मैं जानता हूं कि तुमने पहले कभी खून नहीं किया है, लेकिन ये तुम्हारा पहला टेस्ट है। ऑल द बेस्ट। हाँ सर, समझ गया सर, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा सर। हाँ हाँ, पुरानी ब्रिज पर पहुंचकर उससे मिलूंगा और आपका काम होते ही आपको फोन करूंगा। ओके सर, बाय बाय। हाँ मिस्टर जॉन, आगे क्या प्रोग्राम है? तुम बहुत चालाक हो अमर, लेकिन मेरी नजरें भी बहुत तेज हैं। तुमने बॉस का साउंड रिकॉर्ड किया और ये साउंड तुम पुलिस को दोगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक मिनट जॉन, एक मिनट, मुझे खत्म करने से पहले सुन तो लो कि बॉस ने क्या कहा है। प्लीज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। ठीक है सुना, लेकिन कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। जरा बूथ के बाहर देखो गाड़ी में कौन बैठा है। जॉन है सर, उसके साथ पुराने ब्रिज पे पहुंच जाना, वो तुम्हें पिस्टल देगा। पिस्टल लेकर जॉन को खत्म कर देना। 6 महीने के बाद अपने हर आदमी का ट्रांसफर कर देता हूं, इधर से उधर। क्या सोचना है? कुछ नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम गाड़ी चलाओ, मैं सब समझाता हूं। जॉन, मैं अपने भाई को रॉकी के चंगुल से छुड़ाना चाहता हूं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर बचा भी सकता हूं। मुझे मंजूर है। तो फिर सुनो, रॉकी के कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं। ब्रिज पर पहुंचकर मैं तुम्हें गोली मारने का नाटक करूंगा और उनकी गाड़ी में बैठकर निकल जाऊंगा। मेरे साथी वहां आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना, बाकी की बातें वही होंगी, समझे? ओके। कमर के आदमी है। वो सब चले गए? हाँ चले गए, अब जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। कम ऑन। जैसे कि जॉन ने हमें बताया कि सिंगापुर से एक डांसर और उसके दो साथी होटल सिटीजन में ठहरे हुए हैं, जो खास रॉकी के लिए शो करने आए हैं। हम उन्हें उनके कमरे में बंद कर देंगे। ये क्या बोलते हैं? असली बटरफ्लाई फ्रॉम कोल्हापुर। थैंक यू। लगता है वो लोग आ गए। हेलो
क्या तुम ही मिस बटरफ्लाई हो? नहीं तो हम तुमको मधुमक्खी लगता है, कहे को पूछा? ऐसे ही पूछा। चलो तुम लोगों को बॉस ने बुलाया है, शो का वक्त हो गया। शो का? तुम लोग जाके लॉबी में वेट करो, हम रेडी होकर आता है। जाओ भागो। या 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 वंडरफुल मिस बटरफ्लाई, तुम्हारा प्रोग्राम देखकर हम बहुत खुश हुए। हम आप तीनों को इनाम देना चाहते हैं। मैं तो समझता था कि सिर्फ मेरा ही बाप इस दुनिया में कंजूस है, लेकिन ये तो मेरे बाप का बाप निकला। हमारा डांस देखा, खुश हुआ, इनाम देने के लिए यहाँ बुलाया और पकड़ लिया। ये तो अंदर बैठकर हमें अंदर बिठाने का प्रोग्राम बना रहा है। तुम्हें क्या रहा है? खामोश। तुम्हें पता नहीं कि रॉकी की आंखों में एक्सरे मशीन फिट है जो इस दीवार के उस पार भी देख सकती है। तुम समझते हो कि ये नकली दाढ़ी मुछ लगाकर रॉकी को फांस लोगे? जॉन कहाँ है? उसे तो मैंने गोली मार दी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे पिल्ले रॉकी के इशारों पर नाचते फिरते हैं। वैसे जॉन ने हम तक पहुंचने का अच्छा तरीका बताया, बटरफ्लाई। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो जॉन को हमारे हवाले कर दो, वरना। विनोद भैया। यही ना, अब तो बहुत मुश्किल हो गया विनोद। पहले तुम सिर्फ अकेले थे, अब ये अकलमंद अपनी महबूबा साले को भी साथ लेकर आ गया। चार जिंदगियां दांव पर लगी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी जिंदगी का खात्मा करूंगा। रॉकी, विनोद को छोड़ दे और उसके बदले में मुझे मार डाल। क्यों इतनी जल्दी घबरा गए? किसकी जान कितनी कीमती है इसका पता रॉकी को है, इसीलिए अब तक तुम लोग जिंदा हो। चलो एक सौदा करते हैं, मैं तुम चारों को रिहा कर देता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे जॉन का पता बता दो। ठीक है, मैं बताता हूं। नहीं अमर, ऐसा मत करना। जॉन हमारी जिंदगी की गारंटी है। अगर तुमने इसे जॉन का पता बता दिया तो ये हम सबको खत्म कर देगा। ठीक है, तो एक एक करके अपना अंजाम देखो। जॉन हाजिर है सर, लेकिन अब की बार जॉन की जान का सौदा बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। से चले जाए, मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती। हम भटक गए थे माँ, दौलत की चकाचौंध में मेरी आंखें माँ की ममता को नहीं पहचान सकी। मैं सिख जी के घर धमाल होकर गिरवी हो गया था, पर गिरवी रखी हुई चीज की इस दुनिया के बाजार में कोई कीमत नहीं होती। मैं भूल गया था कि माँ के छत्र छाया में जो सुख है वो सोने की जंजीरों की कैद में कभी नहीं है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। कसूर सारा मेरा ही था माँ जी, मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद मायका पराया हो जाता है और ससुराल ही लड़की का घर बन जाता है और सास माँ बन जाती है, और माँ की इज्जत करना हर बेटी का फर्ज है। मगर मैंने तो आपको सास ही समझा, और सास समझकर
मेरे मंडप में आके बेइज्जती कर दी, मगर आप तो माँ है, माँ अपने भूले भटके बच्चों को माफ कर देती है। माँ जी हमें भी माफ कर दीजिए। अमर इन्हें कह दे मेरे पांव छोड़ दे। कैसे कह दूं माँ, सुना है माँ के पांव तले जन्नत होती है, और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को ठुकरा कर उनके लिए कभी जन्नत के दरवाजे बंद नहीं करती। अमर अपना प्यार भरा हाथ इनके सर पर रख दो माँ, और इन्हें अपनी शरण में ले लो। मेरे बच्चे माँ जी, अरे अमर तू आशा को लेकर कहाँ चला गया था, या उसके पिताजी उसका इंतजार करते करते न जाने कहाँ चले गए हैं? भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं तू बाहर बैठा भगवान के नाम की माला जप रहा था। डैडी आप और ये माला? अरे आशा बेटी अपने पापा का प्रायश्चित करने के लिए सेठ जी भगवान की माला जप रहे हैं। अरे तुम चुप करो नी चंचलदास, कितना बोलता है। अरे आप लोग ऐसे मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ओहो समझ गया बहन जी, मैं एक शेर सुनाता हूँ, फक्र इसमें क्या कि जमाने ने बदला है तुम्हें, अरे मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। कैसा लगा शेर बेटा? बहुत ही अच्छा। अरे अमर तूने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, तू आशा को लेकर कहाँ गया था? माँ अगले हफ्ते शीला बहन की शादी है, इसलिए आशा को साथ लेकर भैया भाभी को मना के घर वापस लाने गया था। ठीक है, अच्छा किया। सेठ जी चाहते हैं कि शीला की शादी के साथ साथ तेरी और आशा की भी शादी हो जाए। या, एक साथ दो दो शादियाँ, एक शादी में शीला बेटी इस घर से बाहर जाएगी और दूसरी शादी में आशा बेटी इस घर में बहू बनकर आएगी। हिसाब किताब बराबर, क्लियर कट। लेकिन माँ ये कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, मैंने तो सेठ जी को हाँ कर दी है। भाई मियाँ अमर तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे भाई फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, जल्दी करो। फ्लाइट? कैसी फ्लाइट? कमाल है, अमर ने आपको कुछ नहीं बताया, ये 2 साल के लिए दुबई जा रहा है, ये देखिए एग्रीमेंट। क्या ये नहीं हो सकता, अगले हफ्ते इसकी शादी है और शादी के बाद ये यही रहेगा मेरे पास। कोई बात नहीं है बहन जी, लेकिन मैंने जो इसे 1 लाख रुपया दिया था उसका क्या होगा? 1 लाख? कैसा 1 लाख? बहन जी अमर को अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए इसने 2 साल के लिए दुबई जाने का ये एग्रीमेंट किया था। अब अगर आपको नहीं भेजना है तो 1 लाख रुपए वापस दे दीजिए। अमर दूसरा कोई रास्ता नहीं था माँ? अरे बहन जी चिंता की क्या बात है, लाल भाई अभी जिंदा है, मैं आपको भी 1 लाख रुपए का बेड़ा चेक काट के देता हूँ, क्लियर कट। नहीं सेठ जी मैं आपसे रुपये नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं लेंगी, मेरी बेटी की भी तो जिंदगी का सवाल है। नहीं डैडी आप इनको नहीं जानते, ये आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैं अमर के लिए 2 साल तो क्या जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। अरे यार व्हाट नॉनसेंस। अमर अमर तू तू यहाँ क्यों आया है? माँ अदालत ने मुझे रिहा कर दिया है, वैसे मैं आपको मुंह दिखाने के लायक तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अमर भैया की अमानत देने आया था। अमानत? कैसी अमानत? अमर ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है, जिस स्टॉकी नाम के बदमाश की कैद में मैं था उसके साथियों को माल समेत पुलिस ने पकड़वा दिया है। ये 10 लाख रुपए का चेक पुलिस ने इनाम और कमीशन के तौर पर अमर भैया को दिया है। चूटी अरे भी क्या समझता है तू अपने आप को, मुझसे पूछे बिना 1 लाख रुपए का दहेज देना मंजूर करेगा? तू इस 1 लाख रुपए के लिए 2 साल के लिए दुबई जाएगा? हाँ? मुझे कहेगा भैया भाभी को मनाने गया था, और फिर खुद गुंडों के साथ मारा मारी करके अपनी जान जोखिम में डालेगा? क्यों क्यों चुप है आप, ये कैसा बेटा ले आए हैं आप? क्या अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं करता? जो कुछ भी करता है सब दूसरों के लिए, सब दूसरों के लिए। दूसरा कौन है इस घर में माँ? तुम दूसरे हो या अशोक भैया और भाभी दूसरे हैं? विनोद भैया दूसरे हैं या शीला बहन? तुम सभी तो मेरे अपने हो ना माँ, तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
अरे जंजल लाश क्यों छड़ता रहता है, सीधी तरह खड़ा रहे, सीधी तरह खड़ा रहे। बहन जी ये लीजिए, ये क्या है? ये 1,00,000 रुपए हैं। अरे पर आप इसे वापस क्यों कर रही हैं? मेरे बेटे राम की ये शर्त है कि जब तक मैं दहेज के 1,00,000 रुपए वापस नहीं करूंगी वो बहू को घर नहीं लाएगा। शारदा बहन मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि राम ने आपको सही रास्ते पर चलने की राह बताई और दहेज के पाप से बचा लिया। अरे चंचल दास, ये दुर्गा देवी ने शारदा देवी के हाथ में क्या दिया? वो 1,00,000 रुपए दहेज के वापस कर दिया। अरे 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 बड़ी बेवकूफ औरत है, मैं होता तो 1 पैसा ना देता। सेठ जी फिर आपने लालच की बात की? अरे चंचल दास अकड़ की बात कराकर, आदमी हूँ बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। पिताजी अब ये गंगाराम के हाथ में क्या पैकेट है? पिताजी पिताजी। अरे बड़ी इस पैकेट में क्या है? ये तोला राम के बेटे गंगाराम का बेटा राजा राम। अरे तो शॉर्टकट में बोल मेरा पोता है, शब्दों में भी खर्चा करता है। शब्दों में भी हिसाब किताब करते हैं पिताजी। पिताजी मुंह दिखाई करेंगे या नहीं पिताजी? अरे मुंह दिखाई क्यों नहीं करूंगा, के सामने करूंगा। ये लो तुमने पोते की मुंह दिखाई है, ये लो। पिताजी ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे शोभा जरा चुटकी तो लेना। ये कोई चुटकी लेने का तरीका हुआ? मैंने ऐसे लेने को बोला था इतनी जोर से कहीं चमड़ी उधड़ जाती तो। अरे गंगाराम क्या हो गया बड़ी? पिताजी मैं समझा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आज तक हम लोगों के लिए आपकी जेब से कभी चवन ही नहीं निकली थी और आज पूरा पॉकेट दे दिया। अरे मेरा पोता है, मेरा सारा माल इसका है। कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन। शोभा ज्योतिष की बात सच निकली, बेटे का जन्म होती मैं माला माल और पिताजी। अरे बेटा मेरा सब कुछ तेरा है, शोभा बेटी का है और मेरे इस पोते का, अब इसको वापस कर दो। अरे 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 सुन मेरी बात, इतना बड़ा हो गया है गंगाराम, तुझसे पैसे नहीं संभलती तो इस छोटे से बच्ची से क्या समझेंगे? जब बड़ा हो जाएगा तो मैं दे दूंगा चंचल दास को ठंडा पिड़ा कड़ा। बेटा होकर बाप को उल्लू बनाता है, सारा बाप से मुंह दिखाई मांगता है। अरे आप लोग क्यों हंस रहे हो यार, आदमी हूँ बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अगली बार आओगे तो बदल गया होऊंगा। अरे प्रॉमिस किया ना बदल गया होऊंगा यार, क्लियर कट।